नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, चैन स्वेटर में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए फंदों का कोई बंधन नहीं है, आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार कितने भी फंदे डाल सकते हैं। आपको अगर फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच कर लेंगे और सभी फंदे सीधे बना लेंगे। पहली लाइन में सेकेंडरी कलर से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। और दूसरी लाइन में पहला फंदा स्लिप करेंगे, शेष सभी फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा। तीसरी लाइन में पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, शेष फंदे उल्टा बुनेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। और रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे, शेष सभी फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा। तो ये हमने सेकेंडरी कलर के उनसे चार लाइन बना लिया है। ये हमारे डिज़ाइन का बेस कंप्लीट हो गया है। तो डिज़ाइन बनाने के पहले हमें चार लाइन का बेस बनाना होगा। तो सेकेंडरी कलर से चार लाइन बनाने के बाद अब प्राइमरी कलर का ऊन लेंगे और पहला फंदा सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदे को हम तीन लाइन तक खोलेंगे, एक तीन। उसके बाद ये जो फंदा दिखाई दे रहा है इसमें ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा सीधा। नेक्स्ट फंदे को हम तीन लाइन उधेड़ेंगे, एक दो और तीन, और दिखाई दे रहे फंदे में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा नॉर्मली सीधा। नेक्स्ट फंदे को तीन लाइन तक उधेड़ेंगे और दिखाई दे रहे फंदे में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो इसी तरह एक फंदे को सीधा बुनते हुए और अगले फंदे को तीन लाइन उधेड़ कर तब सीधा बुनते हुए हम सभी फंदे बुन लेंगे। अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदे को तीन लाइन उधेड़ के और तब सीधा। लास्ट में दो फंदे बचे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन का पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे, शेष सभी फंदे सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। डिज़ाइन का तीसरा लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, सभी फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। और डिज़ाइन का चौथा लाइन और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, शेष सभी फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट फंदा उल्टा।
तो हमारा प्राइमरी कलर से चार लाइन कंप्लीट हो गया है। अब फिर हम सेकेंडरी कलर का ऊन लेंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे और नेक्स्ट फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे, यानी हमने सेकेंडरी कलर के ऊन से दो फंदे सीधे बुने हैं। अब तीसरे फंदे को हम चार लाइन, तीसरे फंदे को हम तीन लाइन उधेड़ेंगे और दिखाई दे रहा है फंदे में, देखिए इस डिजाइन के ऊपर जो हमारा फंदा है इसमें हम ऐसे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा, अब ये जो हमारा डिजाइन बना है इसके ऊपर देखिए ये छेद दिखाई दे रहा है, इसी में हमें ऐसे सिलाई डालना है और एक सीधा फंदा बना लेना है और इसको ऐसे खींच दीजिए, देखिए तीन लाइन तक ये उधड़ गया। नेक्स्ट फंदा सीधा, डिजाइन के ऊपर जो ऐसे छेद दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें हमें ऐसे सिलाई डालना है, इसको ऐसे खींच दीजिए, देखिए ये तीन लाइन तक उधड़ गया। उसके बाद इसे सीधा बुन लीजिए, अगले फंदे को सीधा। लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे, शेष सभी फंदे को सीधा बुनेंगे। और लास्ट फंदे को उल्टा बुन लेंगे। दो लाइन कंप्लीट हो गया। फिर पहला फंदा स्लिप करेंगे, शेष सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। और लास्ट फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे, शेष सभी फंदा सीधा। और लास्ट फंदा उल्टा। अब एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाने के बाद अगला चार लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जाएगा। तो अब हम सेकंड प्राइमरी कलर का ऊन लेंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को हमें उधेड़ना है, तो ये देखिए ये छेद दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसे सिलाई डालेंगे और ऐसे खींच देंगे, तो ये हमारा तीन लाइन तक उधड़ गया। उसके बाद सीधा फंदा बना लेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा। अगले फंदे को हमें देखिए यहाँ से तीन लाइन तक उधेड़ना है, सीधा फंदा बुन लेना है, अगला फंदा सीधा। नेक्स्ट फंदे को डिजाइन के ऊपर वाले फंदे में ऐसे जो बड़ा सा ये छेद दिखाई दे रहा है इसमें ऐसे सिलाई डालेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे, ये उधड़ जाएगा, उसके बाद इसे हम सीधा बुन लेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा। तो ऐसे ही अल्टरनेट ये डिजाइन बनता चला जाएगा। और लास्ट में दो फंदे बचे हैं, उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाने के बाद अगला चार लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, पीछे से भी देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।